और जो दिसंबर में अपियर होने वाले स्टूडेंट हैं उर्दू के, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि आप ये गाइड और पीडीएफ वगैरह के चक्कर में ना पढ़ करके अपने नोट्स बनाइए, पढ़िए, बेसिक जरूर क्लियर कीजिए, उसका आपको फायदा मिलेगा। जैसे मुझे मिला है सर, मैंने क्या किया था, अपना पढ़ा हुआ मैंने खुद, उसके बाद में पहले नोट्स में थोड़ा मेरा तवील नोट थे, फिर मैंने उनको और शॉर्ट किया, फिर बाद में मैंने ट्रिक बनाई है, क्योंकि मेरा एक दो पॉइंट से रुक रहा था। मुझे बहुत दुख होता था इस बात का कि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मुझे जरूरत भी है इस बार जेआरएफ की फेलोशिप की मुझे जरूरत है, और मुझे वो भी नहीं मिल पा रही है, मेरा मानव भी कैंसिल हो गया है। तो इस बार मैंने ये नया किया है कि मैंने ट्रिक्स में लिखा था, जैसे कि बाघो बहार से सर क्वेश्चन आता है, जरूर ही आता है दरवेश के किस्से से। तो मैंने क्या किया था कि जो अशार जरूर पूछता है कि ये कौन से दरवेश का किस्सा किससे शुरू होता है, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी अपनी, सरगजश्त माजरा अहवाल किस्सा, सिर्फ ये चार लफ्ज मैंने लिख लिए थे। मुझे पता है कि जब पहला दरवेश अपनी कहानी का आगाज करता है तो वो सरगुजश्त उसके शेर में आता है, दूसरा जो करता है वो माजरे के साथ करता है, तीसरा अहवाल के साथ, चौथा किस्से के साथ, और सरगुजश्त माजरा अहवाल किस्सा इन चारों का ही एक ही मतलब है, दास्तान या कहानी, यानी कि वो लोग अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस चक्कर में पढ़ते हैं कि पूरा शेर याद कर लें, हालांकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाता है, वो नहीं याद नहीं हो पाता। तो आप ज्यादा इस तरह का थोड़ा सा अपना माइंड अपने नोट्स बनाएंगे और आप थोड़ा सा भी इसको देखिए तो आप आसानी से कर लेंगे। ऐसे ही सर मैंने किया था, दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई थी। सेकंड, चूंकि बात यहाँ पर जी बागो सर, बाहर की हो रही है तो मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ। जी सर, एक सवाल जो पूछा जाता है कि पहला दरवेश कहाँ का है, दूसरा कहाँ का है, तो मैं स्टूडेंट्स को अपनी जो लाइव क्लास होती है उसमें बताता हूँ कि एक लफ्ज आप याद रख लीजिएगा, यफच, यानी उसका कुछ मतलब यस नहीं सर, है, जब आपको याद रखना जी है जी यफच। हाँ, या से यमन जी है, फा से फारस है, यमन, फिर आ से जी अजम है, और चौ से चाइना है। चीन, तो ये सीक्वेंस, जी और ये मुझे स्ट्रेटजी आपकी और पसंद आई। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपकी इजाजत से ये जो आपने कोड वर्ड इस्तेमाल किया, इजाद किया है, मैं कहूँगा आप मौजीद है उसके, तो इंशाल्लाह ताला उसको भी मैं रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को कि वो इस तर्ज पर याद रखने की कोशिश करें। और आप कुछ और बता रहे थे, ये अब पॉइंट स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो आप बताना चाह रहे हैं। जी जी मैं ये जो मेरे साथी और मेरी दोस्त हैं वो भी इस चीज का देखें कि वो इसी तरह से अब स्ट्रेटेजी अपनाएं, तभी काम हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहे हैं, बहुत ट्रिकी सवाल है, आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने होंगे। जैसे सर आप दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम पूछ रहे हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम पूछ रहे हैं, पहला दूसरा इस तरह से, तो मैंने ऐसे दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल की एक ट्रिक बनाई थी, टबिस्कार वर्ड होता है आविष्कार से, मैंने उसको टविष्कार कर दिया था, टेलर बत्रूस स्प्रंगर जी, और जी जे कारगिल, कैसे कारगिल। तो इस तरह से आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं, और वैसे ही अब तरतीब से बहुत ज्यादा सवाल आने लगे हैं, जबानी तरतीब और लुगत के एतबार से। वैसे ही मैंने शोरा के नाम को भी इस तरह से किया था, जैसे वमी गामो शाफ, अब वैसे वली, वैसे मीर, वैसे गालिब, इस तरह से आपको जमानी एतबार से, जरूरी नहीं है कि आप पूरा उनका, आपको होता है कभी कभी कि हम लोगों को सने वफात सने पैदाइश याद नहीं रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट को, मुझे भी नहीं रहती थी, तो मैंने ऐसे ही किया उनको, मैंने इसी तरह से एक एक अपना बना लेती थी उन सबके, एक एक वर्ड उठा के, एक एक लेटर उठा के उनके नाम का, और अब एक अपनी ट्रिक बना लेती थी। तो सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जब ये आई गई है तो जी, यास किया गाना चंगेजी के शेरी मजमू की जमानी तरतीब है, तराना आया, ये लिखी हुई है सर मेरे आसपास ही।